Hey everyone, welcome back. आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रम रोल्स डबल चॉकलेट कुकीज एंड दीज आर एगलेस टू. दीज आर सुपर चॉकलेटी रिच एंड लग्जूरियस. ईच बाइट विल टेक यू ऑन अ हेवनली राइड. सो कम ऑन गाइज, व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से इसको बना लो. सो आपको इसको बनाने के लिए चाहिए रूम टेम्परेचर बटर. उसको अच्छे से क्रीम कर लेना है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एड शुगर टू इट. अगेन क्रीम इट रियली वेल एंड आप जैसे ही उसको क्रीम करोगे और वो परफेक्टली क्रीम हो जाएगा, द बटर विल टर्न लाइट पेल येलो एंड दैट्स व्हेन यू विल नो दैट इट्स डन. उसके बाद आपको फटाफट से उसके अंदर कंडेंस मिल्क मिक्स कर लेना है. यहाँ पर हम इस रेसिपी में एग्स इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क से उसको रिप्लेस कर रहे हैं एंड यू विल गेट सिमिलर रिजल्ट. इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज टेक सम टाइम टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन गेट अ लिटिल पुश टू मेक न्यू एंड गुड कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. और अगर आप यहाँ पर पुराने हैं तो आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू क्योंकि आप मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हैं. Also, please don't forget to like this video ताकि आपकी लड़की famous हो सके and of course ये जो छोटी छोटी videos है दूसरों तक भी पहुंच सके. चलिए coming back to the video, आपको इसके अंदर vanilla extract डाल देना है just for little flavoring and of course fragrance and finally mix कर लीजिए. आप देखेंगे कि stiff peaks form होने लगी है इस time पर आते आते. Now add maida, cocoa powder and 3 magical ingredients. कॉर्न फ्लावर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट. फटाफट उसको डाल दीजिए एंड कम ऑन गाइज, मिक्स मिक्स मिक्स. हमने किया. ओके, टू ऑल द डोरा द एक्सप्लोरर वाले फैंस, कम ऑन, हिट दैट लाइक बटन. मैंने कुछ ज्यादा ही डोरा द एक्सप्लोरर देख लिया है गाइज, शायद तभी मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है. चलिए गाइस, मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपके लैंग्वेज में कुकीज़ को क्या बोलते हैं. अगर आपने वो रील्स पे वो बंदी देख रखी होगी जो जनरली एक इंग्लिश वर्ड के साथ पूछती है आपके लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, देन यू विल गेट इट. या शायद सिर्फ मेरा ही फीड अजीब कंटेंट के साथ भरा हुआ है. व्हाटएवर, आपको फटाफट से छोटे छोटे चॉकलेट चंक्स कुकीज़ के अंदर मिक्स कर लेने हैं एंड देन फटाफट से कुकी डो को शेप कर लेना है ऑन अ पार्चमेंट पेपर. अब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स ताकि वो स्टिफ हो सके एंड थोड़ा सा अपना शेप होल्ड कर सके. नाउ इट्स टाइम टू बेक देम. सो वी गोना बेक देम फॉर अबाउट 15 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस. एंड जैसे ही बेक होकर आएंगी ना गाइस, उसको फटाफट एक रिंग या कटोरी की हेल्प से गोल गोल कर लेना है ताकि उनका शेप अच्छा हो जाए एंड उसके बाद फॉलोड बाय अच्छी डार्क चॉकलेट्स. You can add as many chocolate as you want, but make sure आपकी cookies गरम गरम हो ताकि molten lava effect आ सके. Finally, topping it off with some sea salt. मुझे तो sea salt पसंद है इसलिए मैं definitely top करूँगी, but आपको नहीं है तो you can actually omit it. Yes, our cookies are ready. I hope that you enjoyed this video. So be a thrill from inside but not from outside. Okay, bye.